क्या आपने कभी ये सोचा है कि फेस पर कोई भी प्रोडक्ट जैसे सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र या मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने से पहले आप फेस क्लीन क्यों करते हैं? क्यों बचपन से हमें रोज़ रात में फेस क्लीन करके सोने के लिए कहा जाता था? अगर आप अब भी नहीं जानते हैं कि फ़ेस क्लीन करना आपकी स्किन के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, वो भी बहुत सिंपल तरीके से। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ, जिसे पूरा देखने के बाद आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग एक अच्छा फेस वॉश चूज़ कर पाएंगे। किसी भी स्किन केयर रूटीन के 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। आज हम बात करेंगे फेस क्लींजिंग के बारे में। टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो चलिए जानते हैं कि हमें डेली फेस वॉश क्यों यूज़ करना चाहिए या रोज़ हमें फेस क्लीन क्यों करना चाहिए। फेस वॉश या क्लींस करने से जो भी डर्ट हमारे फेस पे होती है वो रिमूव हो जाती है, जिससे आपकी स्किन क्लीन एंड फ्रेश दिखती है। फेस अच्छे से वॉश किए बिना आप जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि एक थिक लेयर डर्ट की हमारे फेस को कवर कर देती है। इसीलिए रेगुलर वॉशिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। फेस को रेगुलरली अच्छे से क्लीन करने से आपकी मैक्सिमम स्किन प्रॉब्लम्स जैसे एक्ने, पिंपल्स, पिगमेंटेशन सॉल्व हो सकती है। जब आप रेगुलरली फेस क्लीन करते हैं और एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, तो फेस को एक अच्छे लेवल का हाइड्रेशन मिलता है और स्किन क्लियर एंड ग्लोइंग दिखती है। स्किन की डलनेस एंड रफनेस की प्रॉब्लम भी दूर होती है। स्किन को ऑयल फ्री रखने के लिए और उसका पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए फेस क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अच्छे से ज़रूर समझना चाहिए, हमारी फेशियल स्किन के नीचे टाइनी ग्लैंड्स होते हैं जो एक ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, सीबम। ये ऑयल हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और एक बैरियर फॉर्म करता है, जिससे बैक्टीरिया हमारी स्किन में पेनिट्रेट नहीं कर पाते। स्किन के अंदर हेयर फॉलिकल्स के थ्रू सीबम ऑयल हमारी स्किन सरफेस पे आता है। फेस वॉश ना करने से जो भी डर्ट फेस पे होगी उसकी वजह से हमारे फॉलिकल्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से सीबम, स्वेट, डेड स्किन सेल्स सरफेस में नहीं आ पाते और फॉलिकल्स में ट्रैप हो जाते हैं। सीबम ऑयल की स्किन सरफेस पे कमी की वजह से बैक्टीरिया फॉलिकल में आ जाते हैं और इन्फ्लेमेशन का कारण बनते हैं, जिससे होता है क्या, एक्ने। इसीलिए रोज़ रात में फेस वॉश करके सोना चाहिए। प्रॉपर स्किन क्लींजिंग से पोर्स में जो भी डर्ट फिल होती है वो क्लीन हो जाती है और इससे हमारे पोर साइज़ भी इंक्रीज़ नहीं होता, और सीबम ऑयल हमारी स्किन सरफेस पे इजीली पहुंच जाता है, जिससे ब्रेकआउट के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। तो अब जानते हैं अगर आप फेस वॉश करना स्किप कर देंगे तो आपकी स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगर आप डेली बेसिस में फेस वॉश नहीं करेंगे तो आपके पोर्स क्लॉग्ड यानी कि बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से सीवियर एक्ने या इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके साथ ही स्किन में रेडनेस, ड्राइनेस, इरिटेशन, हाइड्रेशन की कमी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। धीरे धीरे स्किन ऑयली, ग्रीजी, डर्टी एंड एज्ड दिखने लगती है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू वॉश योर फेस ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये एक ऐसा स्टेप है जिसको फॉलो करके आप अपनी काफ़ी सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और इसके लिए आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नॉर्मल फेस वॉश जो आपकी स्किन टाइप को सूट करता है और ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को कवर कर सकती हैं, तो आप उसे ले सकते हैं। तो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि कैसे आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फेस वॉश चूज़ कर सकते हैं।
आपको हमेशा अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही फेस वॉश चूज़ करना चाहिए। ड्राई स्किन है तो आप अवॉइड करिए ऐसे फेस वॉश जिसमें अल्कोहल कंटेंट ज़्यादा होता है, और एक जेंटल फेस वॉश आपको चूज़ करना चाहिए जो स्किन को हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज कर सके। एक्ने प्रोन और ऑयली स्किन है तो आपको ऐसा फेस वॉश लेना चाहिए जो नॉन कमीडोजेनिक हो, जिसका पीएच लेवल लो हो। सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइल परोक्साइड, ग्लाइकोलिक एसिड, नियासिनामाइड जैसे इंग्रेडिएंट्स अगर आपके फेस वॉश में होंगे तो ये बेस्ट है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपको एक बेसिक फेस वॉश फ्री फ्रॉम फ्रेग्रेंस एंड एडिटिव्स चूज़ करना चाहिए। अगर आपकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में सेरामाइड्स और ग्लिसरीन है तो आपके लिए बेस्ट है। कॉम्बिनेशन स्किन को ऐसे फेस वॉश सेलेक्ट करने चाहिए जो आपकी स्किन का ऑयल कंट्रोल भी करें और स्किन को हाइड्रेट भी करें। सैलिसिलिक एसिड, हायलुरोनिक एसिड, विटामिन ई, एलोवेरा जैसे इंग्रेडिएंट्स आपकी लिस्ट में हों तो बेस्ट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको कौन से टाइप का फेस वॉश लेना चाहिए। अगर आपकी सेंसिटिव या ड्राई स्किन है तो आपको क्रीम बेस्ड फेस वॉश लेना चाहिए। ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपको जेल बेस्ड, फोम या क्ले बेस्ड फेस वॉश लेना चाहिए। फेस वॉश लेने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूर कंसीडर करने चाहिए। आपको हमेशा एक जेंटल फेस वॉश यूज़ करना चाहिए अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। एक्ने है तो एसिडिक फेस वॉश, एक्जिमा की प्रॉब्लम है तो अल्कलाइन फेस वॉश। आप हमेशा अपने फेस वॉश में पीएच बैलेंस लेबल चेक करें। फेस वॉश का पीएच स्किन के पीएच से मैच होना चाहिए। आपको हमेशा एक फ्रेग्रेंस फ्री और सल्फेट फ्री फेस वॉश चूज़ करना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट आप अपनी स्किन में यूज़ कर रहे हैं उनका पीएच बैलेंस्ड हो। हेल्दी स्किन का पीएच एसिडिक होता है फ्रॉम 4 to 6। अपने फेस को टच करने से पहले आपको अपने हैंड्स ज़रूर वॉश करने चाहिए ताकि बैक्टीरिया आपकी स्किन में पेनिट्रेट ना कर सकें। फेस वॉश यूज़ करने से पहले आप अपना सारा मेकअप निकाल लें, उसके बाद ही फेस वॉश यूज़ करें। एक दिन में मैक्सिमम 2 बार आप फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। सोप का यूज़ हमें अपने फेस पे नहीं करना चाहिए, ये हमारी फेशियल स्किन के लिए बहुत हार्श होते हैं और उसे ड्राई बनाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ। इसमें मैं आपको कुछ अच्छे फेस वॉशेस रिकमेंड करूंगी जो आप चूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इनमें से कोई भी एक फेस वॉश चूज़ कर सकते हैं। सिटाफिल जेंटल स्किन क्लींजर, नीविया मिल्क डिलाइट्स हनी, डर्मावीव हाइड्रा क्लींजर, सिंपल मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश, प्लम हेलो एलो फेस वॉश। ऑयली स्किन है तो आप चूज़ कर सकते हैं द फेस शॉप राइस वाटर फोमिंग क्लींजर, एक्टे बीटरूट हाइड्रेटिंग फेस वॉश, प्लम ग्रीन टी पोर क्लींजिंग फेस वॉश, न्यूट्रोजीना डीप क्लीन फेशियल क्लींजर, वॉव स्किन साइंस एप्पल साइडर वेनेगर फोमिंग फेस वॉश। कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप चूज़ कर सकते हैं बायोटिक बायो हनी जेल रिफ्रेशिंग फोमिंग फेस वॉश, प्लम कैमोमाइल एंड वाइट टी रिवाइवल फेस वॉश, न्यूट्रोजीना ऑयल फ्री एक्ने फेस वॉश, मामा अर्थ विटामिन सी फेस वॉश। और सेंसिटिव स्किन है तो आप यूज़ कर सकते हैं कामा आयुर्वेदा सेंसिटिव स्किन क्लींजिंग फोम, बायोडर्मा सीबम फोमिंग जेल, सीबामेड क्लियर फेस क्लींजिंग फोम पीएच 5.5, काया सेंसिटिव फेस क्लींजर। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो आपको समझ आ गया होगा कि सिर्फ एक स्टेप फॉलो करने से आप अपनी स्किन की प्रॉपर केयर कर सकते हैं और उसे बेटर बना सकते हैं।
मैंने इस वीडियो को बहुत सिंपल तरीके से आप सभी को समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरे वीडियो की इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट लगी हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरे एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटिफुल।